बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद मात ब्रिटिश शिवाखाना एंड जामा सेंटर से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो जो है उन खवातीन के लिए है जो कि माएँ हैं और उनका दूध आता है या बिल्कुल कम आता है और या बिल्कुल आना बंद हो चुका है, तो उनके लिए ख़ास तौर पर फ़ायदेमंद होने वाली है ये वीडियो। तो इसमें जो नुस्खा बताऊंगा इसको आपने एक वीक तक इस्तेमाल करना है और बहुत ही मुफीद सा ये नुस्खा है और इसको इस्तेमाल करके आप फ़ायदा उठा सकती हैं। जिनका दूध सूख भी चुका है उनको थोड़ा सा ज़्यादा इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से उनका सूखा हुआ दूध भी जो है दोबारा बहाल हो जाएगा। तो नुस्खा नोट फरमा लें। इसके लिए आपको चाहिए मूली के बीज, जिसे तुम्हें मूली कहते हैं, और ये जो है आपने बग़ैर जहर के लेने हैं। जब आप जाएँ तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना कि आपने उनको कहना है कि इसको मेडिसिन बिल्कुल भी ना लगी हो, बग़ैर जहर के दें। तो इसके साथ आपको चाहिए ज़ीरा सफ़ेद, उसके साथ चाहिए सब्ज़ इलायची और सौंफ चाहिए। तो ये तीन चीज़ चार चीज़ें मैंने आपको बताई हैं और इन का वज़न जो है आपने हम वज़न लेना है। अगर एक आपने लिया है 10 ग्राम तो दूसरी आपने 10 ग्राम लेनी है। अगर आप एक ने एक लिया 50 ग्राम तो दूसरी भी आपने 50 ग्राम लेनी है। इन तमाम का आपने सूप बना लेना है और इसका तरीकाकार जो है वो आपको बताता चलूँ कि सुबह, दोपहर और शाम जो है आपने हाफ टी स्पून जो है आपने इस्तेमाल करना है दूध के साथ। तो इंशाल्लाह एक वीक के अंदर अंदर जो है आपको इसका रिजल्ट मिलेगा और इंशाल्लाह आप इस नुस्खा को ज़रूर बनाकर इस्तेमाल भी करेंगी और इससे फ़ायदा उठाएंगी। आज की इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।